हेलो फ्रेंड्स, आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहर षष्ठ अध्याय दशमिक संख्या विषय आलोचना करवा। तेल दशमिक संख्या आम क्या कह तुम्हें टा पैसा तो जाथ आम जेकोसी जिनस दोकानू आम किपर आपर आम नि मनकर गोटे पेनसिल दाम हूँ 5.50 यहीपर भाव लिखा जाए। एटा को आम टा बोली धरती टा बोली कही था 50 को आम पैसा बोली जानी था कि भोली जानती जो बिंदुटी रहा यहाँ है दशमिक ताल चिह्नटी है टा पैसा को अलग करदे टा को टा स्थान पैसा को पैसा स्थान तो आम मैंने जानी जे 50 पैसाटा टकर के अंश ना एक टा हूँ 100 पैसा केते पैसा 100 पैसा ताले 50 पैसा को आम कि लिखा ना 50 विभक्त 100 अर्थ 100 रु 50 भाग ताले यही भग्न संख्याटी को संक्षिप्त बा छोट आकार लिखापी आमको दशमिक व्यवहार कर बुझागला आम दशमिक पढ़िले दशमिक पढ़िले आम जापर जे भग्न संख्या को किपर आम छोट आकार संक्षिप्त आकार लिखा आम मैंने पूर्व स्थानीय मान पढ़ी संख्यार स्थानीय मान पढ़ी वर्तमान दशमिक स्थानीय मान के विषय आम जाना। देख अयुक्त स्थान में अयुक्त लिखा जाए हजार स्थान में हजार लिखा जाए शतक स्थान में 100 थाए दशक स्थान में 10 थाए आउ एकक स्थान में 1 थाए ता परवर्त संख्याटी है आमको दशांश हिसाब से पढ़ू शतांश हिसाब से तो किभली पढ़ू तो एक रत भाग दशांश एक रत भाग शतांश वर्तमान आम ताबा। देख ऊपर स्थानीय मान तालिकार जना जाए जे आम डाहाण को गले स्थानीय मान 10 भागर 1 भाग होपरिक अयुतर डाहाण को गले अयुत जहाँ 10,000 ताद तुम डाहाण को जीवा तेल तार स्थान हूँ 1,000 1,000 हूँ 1 अयुतर 10 भागर 1 भाग तो 1,000 हूँ 1 अयुत जदि आम 10 भाग करवा तार 1 भाग हूँ 1,000 से हीपरी आउ गोटे स्थान डाहाण को गले आम शतक पाइबा एवं 100 हूँ 1,000 10 भागर 1 भाग से हीपरी भाव में आम जदि आउ गोटे स्थान डाहाण को जीवा तेल आम 1,10 अर्थात 10 पाइबा जहाँकि 100 10 भागर 1 भाग से हीपरी 1,10 डाहाण को गले आम 1,1 पाइबा एवं 1,1 हूँ 1,10 10 भागर 1 भाग से हीपरी जदि आम 1,1 डाहाण को जीवा तेल 1,1 डाहाण को आम कौन पाइबा 1,10 जहाँकि 1,1 10 भागर 1 भाग जदि 1 को तुम 10 भाग कर ता भितर तुम गोटे भाग निहले सी हम 1/10 अर्थात 10 भागर 1 भाग जहाँकि दशांश हिसाब से परिचित दशांश बोली आम कहती से दशमिक बिंदु आरंभ हुए बुझीला। तो भग्न संख्या को संक्षिप्त उपाय लिखापी नुआ प्रणाली दशमिक शिखा जाए व्यवहार करा जाए। तो भग्न संख्या हूँ 1/10 तो दशमिक रूप किपर देख 1/10 हूँ 1,10 1,10 ये दशांश स्थान रहा दशांश रहा ये कौन अच्छी एकक घर एकक पर आमर दशांश आसूसी तो एकक स्थान में किसी ना से शून रहा दशमिक बिंदु रहा दशांश स्थान में 1 थी आम 1 लिखले अर्थ 0.1 0.1 आम यहीपर भाव में पढ़ा से हीपर भाव में 2/10 अर्थ 10 भागर 2 भाग अर्थ 2/10 आम किपर पढ़ा कारण एकक घरे किसी ना से शून रहा दशमिक बिंदु रहा दशांश स्थान में 2 अच्छी अर्थ ये एक जो एकक स्थान 10 भागर 2 भाग से 0.2 आम पढ़ा से हीपरी भाव में 3/10 को आम कि पढ़ा 3/10 हूँ 3/10 अर्थ दशांश स्थान में 3 अच्छी से दशमिक रहा एकक स्थान में किसी नथिबार शून रहा तेना 0.3 जो दशमिक संख्यार दशमिक संख्यार दशमिक बिंदु पर गोटे अंक अच्छी से ही भग्न संख्यार हर हर 1 पर गोटे शून रोचे ये देख 0.3 अर्थात दशमिकर दशमिक संख्या कौन गोटे संख्या पूर्व रोची जो दशमिक संख्यार दशमिक बिंदु पर गोटे अंक अच्छी ये दशमिक बिंदु रहा गोटे अंक रहा शून रहा यार भग्न संख्याटी आम कि लिखी ना 3/10 अर्थ 3/10 ताल दशमिक बिंदु पर गोटे अंक रोचे एकटी अंक से 3 रहा लबरे हर रे 1 तले गोटे शून ही रहा 1 पाखे गोटे शून रेणु 3/10
शहे सामान भाग रु एक भाग हूँ एक विभक्त शहे अर्थात एक शतांश अर्थात एक को जदि आम शहे सामान भाग करें एक को नेबा ताले सी हम एक विभक्त शहे अर्थात शहे सामान भाग रु एक भाग अर्थ एक शतांश देख यापर दे से हीपरि चार विभक्त दस आम बही तुम दे चार विभक्त दस को आम कौन कह चारि दशांश ताको आम कि लिखा देख चार विभक्त दस अर्थ द एक को दस सामान भाग कलापर आम चार नहीं एकक स्थान में किसी ना से शून दशमिक दे आम ये चार लिखा कारण दशांश स्थान में चारि अच्छी से भाव में पांच दशांश पांच पांच शतांश अर्थ एठी रे शतांश स्थान रे अच्छी पाँच दशांश स्थान रे किछि नाही तेणु शून रहिला एवं एकक स्थान रे किछि नाही शून रहिला एठी दशमिक रहिला ताले केते हब शून दशमिक शून पाँच हब यह हब पांच शतांश से हीपरि भाव में दुई सतैश विभक्त दस देख सतैश लब रे सतैश अच्छी हर रे दस अच्छी अर्थात सतैश दस ठार बड़ यह एक अप्रकृत भग्न संख्या बर्तमान ताकु मिश्र भग्न संख्या परिणत कले आम पाइबा देख सतैश हरण दस कले आम पाइबा दस दुने कोड़े तो सतैश रु कोड़े गले सात है पूर्ण संख्या है दुई तेणु दुई रत लब अच्छी ना सात भागशेष अच्छी जहाँकि लबरे एवं भाजक हम यार हर अर्थ दुई पूर्ण सात विभक्त दस हम ताले दुई पूर्ण सात विभक्त दस है दुई एकक सात दशांश स्थान अच्छी ताले एकक स्थान में दुई अच्छी एटी दशमिक रहिला दशांश स्थान में सात अच्छी तेणु दुई दशमिक सात हम यार दुई एक सात दशांश अर्थात दुई दशमिक सात हम यार उत्तर से हीपरि भाव में एक पूर्ण एक विभक्त दस अर्थ एक एक एवं एक दशांश ताले एकक स्थान में एक दशमिक बिंदु रहा दशांश स्थान में एक रहीपरि भाव में एटी देख दुई एक एक शतांश ताले एकक स्थान में दुई अच्छी दशमिक रहा दशांश स्थान देख किसी ना से शून रपर शतांश स्थान देख एक अच्छी ताले एक विभक्त अर्थ एक शतांश तेणु एक रहा शतांश स्थान में दुई दशमिक शून एक हम यार उत्तर से हीपरि भाव में ये देख पंदर पूर्ण तीन विभक्त दस अच्छी ताले पंदर पूर्ण अर्थ पंदर को जदि आम विस्तारित करवा किपर लिखा ताले दस मिशाण पाँच अर्थ दशक स्थान में दस अच्छी एकक स्थान में पाँच अच्छी तापर दशमिक रही दशांश स्थान में तीन रही शतांश स्थान में किसी ना अर्थ दस मिशाण पाँच पंदर है दस दस स्थान में एक एकक स्थान में पाँच तापर दशमिक बिंदु दशमिक स्थान रहा तीन दशांश अर्थ दशांश स्थान में तीन रहा पंदर दशमिक तीन हम यार उत्तर बुझीगला ये देख भग्न संख्या चार विभक्त दस दशमिक जीरो शून दशमिक चारिपर भग्न संख्या पाँच विभक्त शहे दशमिक शून दशमिक शून पाँच से सतैश विभक्त दस ताल दशमिक हम दुई दशमिक सात से एक पूर्ण बा एक 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 दशांश तेणु एकक स्थान में एक रहा दशांश स्थान एक ताले एक दशमिक एक से हीपरि भाव में दुई पूर्ण एक विभक्त शहे अर्थ दुई एक एक शतांश तेणु दशांश स्थान में शून रहा शतांश स्थान एक एकक घरे दुई ताले दुई दशमिक शून एक ताले पंदर पूर्ण तीन विभक्त दस ताले पंदर दशमिक तीन हम देख ना ये अच्छी देख शतांश अर्थ शतांश रे अच्छी केते पाँच विभक्त शहे अच्छी हेला ताले देख ये शतांश रहा तो आम शून दशमिक शून पाँच लिखिले यह है दशमिक ताले देख दशमिक दशमिक पर कतोटी अंक अच्छी एक दुईटी अंक अच्छी ताले एटा को जो आम भग्न संख्या लिखिले लबरे कौन अच्छी ना पाँच रखिले ताले हर रे कतोटी शून देबा हर तले आम एक आनिले देख दशमिक पर दुईटी अंक अच्छी से एक दुईटी शून रही देख एक दुईटी शून रहीपरि भाव में दशमिक पर जब गोटे अंक थाए ताकि भग्न संख्या किभली लिख ना लबरे से ही संख्याटी रर रे दशमिक पर आम एक दशमिक पर गोटे अंक अच्छी तेणु एक पर गोटे
ଗୋଟିଏ ଶୂନ ହିଁ ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ଯେ ରବି ଶରତର ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ସେମି ଆଉ 2 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 8 ସେମି ଓ 3 ମିଲିମିଟର। ରବିର ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 7 ସେମି 2 ମିଲିମିଟର, ଶରତର ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 8 ସେମି 3 ମିଲିମିଟର। ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସେମିରେ ପ୍ରକାଶ କିପରି ଆମେ କରିବା? ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ତମ ସ୍କେଲରେ ଦେଖ ଯେଉଁ 1 ସେମି ଥିବ, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ଥ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିବ, ଏ କିପରି ଥିବ? ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ଏଠି 1ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଏଇ ମଝିରେ କେତୋଟି ଗାର ଥିବ? ଏଇ ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ 10ଟି ଘର ଥିବ। 1, 2, 3, 4, 5 ଟିକେ ବଡ଼ ଥିବ, ତାପରେ 6, 7, 8, 9, 10 ଏହିପରି ଭାବରେ 10ଟି ଗାର ଥିବ। ତାହେଲେ 1 ସେମିର ଅର୍ଥ, 1 ସେମି ଅର୍ଥ କେତେ ମିଲିମିଟର? ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରକୁ ଆମେ ମିଲିମିଟର ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ କେତୋଟି ମିଲିମିଟର ଅଛି ବା କେତୋଟି ଘର ଅଛି? ନା 10ଟି ଗାର ଅଛି, 10ଟି ମିଲିମିଟର ଅଛି। ତାହେଲେ 10 ମିଲିମିଟର ଯାହା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହା, ତାହେଲେ 1 ସେମି ହେବ କେତେ? ନା 10 ମିଲିମିଟର। ବୁଝିହେଲା? ଯେପରି ଭାବରେ 1 ଟଙ୍କା ହେଉଛି 100 ପଇସା, ସେହିପରି ଭାବରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି 10 ମିଲିମିଟର। ତାହେଲେ 1 ମିଲିମିଟର ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିବା? ତାହେଲେ 1 ମିଲିମିଟର ହେବ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ତାହେଲେ ଯେଉଁ 1 ମିଲିମିଟର ହେବ ଏଇ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, ଅର୍ଥାତ 10 ବିଭକ୍ତ 1 ହେବ। ତାହେଲେ 1 ମିଲିମିଟର ହେବ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ନା 1 ବିଭକ୍ତ 10 ସେମି, ଅର୍ଥାତ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେବ 1 ମିଲିମିଟର। ତାହେଲେ 1 ମିଲିମିଟର ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା? ନା 1 ବିଭକ୍ତ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ରବିର ପେନସିଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କିଭଳି ଲେଖିବା? ନା ରବିର ପେନସିଲ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଲା 7 ସେମି ଆଉ 2 ମିଲିମିଟର। 7 ସେମିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା, 2 ମିଲିମିଟରଟା କେତେ ସେମି? ନା 2 ବିଭକ୍ତ 10, ଅର୍ଥ 10 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ହେଲା। ତାହେଲେ 7 ମିଶାଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ନା ଦଶମିକରେ କିଭଳି ଲେଖିବା? ନା 7 ରହିଲା 2 ବିଭକ୍ତ 10ର ଅର୍ଥ 2 ଦଶାଂଶ, 7 ହେଲା 7 1, ତାହେଲେ 7.2 ବିଭକ୍ତ 10 ଦଶାଂଶ ଅର୍ଥ, ମାନେ 2 ଦଶାଂଶ ଅର୍ଥ 0.2 ହେଲା। ତାହେଲେ 7.2 ସେମି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶରତର ପେନସିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା 8 ସେମି 3 ମିଲିମିଟର। 8 ସେମି 3 ମିଲିମିଟର, ତାହେଲେ 8 ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା, 3 ମିଲିମିଟରଟା କେତେ ସେମି? ନା 10 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ, ତାହେଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 10। ଯେପରି 1 ମିଲିମିଟର ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 10, ସେହିପରି 2 ମିଲିମିଟର ହେବ 2 ବିଭକ୍ତ 10, ଅର୍ଥ 10 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ। ସେହିପରି 3 ମିଲିମିଟର ହେବ 10 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ, 3 ବିଭକ୍ତ 10। ଏହିପରି 4, 5, 6 ଏହିପରି ଭାବରେ ଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 8 ମିଶାଣ 3 ବିଭକ୍ତ 10କୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ କିପରି ଲେଖିବା? ନା 8 ସେହିଭଳି ରହିବ, 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଅର୍ଥ 3 ଦଶାଂଶ, ତେଣୁ ଦଶମିକ ରହିଲା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 3 ରହିବ। ତାହେଲେ 8.3 ସେମି ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ 2.35 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନରେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକକୁ ତା'ର ସାରଣୀରେ ଲେଖିବା। ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା ଆମେ ବା ତ କିପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ 2 ରହିଲା 2.35ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? 2 ଅଛି, ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି, ଏକକ ପରେ ହେଉଛି ଦଶାଂଶ। ଦେଖ ଏକକ, ତାପରେ ରହିବ ଦଶମିକ ଅର୍ଥ ଦଶାଂଶ, ତାପରେ ରହିବ ଶତାଂଶ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି 2.2 ପରେ ଦଶମିକ ରହିଲା, ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି? 2, ଅର୍ଥ ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି। ତାହେଲେ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? 3 ଅଛି। ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? 5 ଅଛି। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ହିସାବରେ ଲେଖିବା। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଅଛି, ତେଣୁ 2ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 2.1। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 3 ଅଛି, ତେଣୁ 3ର ମୂଲ୍ୟ 3 ଦଶାଂଶ, ଅର୍ଥ 3 ବିଭକ୍ତ 10। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି, ତେଣୁ 5ର ମୂଲ୍ୟ 5 ଶତାଂଶ, ଅର୍ଥ 5 ବିଭକ୍ତ 100। ତାହେଲେ 2.35କୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ରହିବ, ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 3 ଅଛି, ଅର୍ଥ 3 ବିଭକ୍ତ 10, ମିଶାଣ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 5 ଥିବାରୁ 5 ବିଭକ୍ତ 100 ଏହିପରି ଭାବରେ ହେବ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନରେ କିପରି ଲେଖିବା? ନା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଲେଖିବା, ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 3, ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 5। ସେହିପରି ଭାବରେ 24.57କୁ ଉଭୟ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଦେଖ 24.57ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? ଦେଖ ଏଠି 2
चबिश दशमिक पाँच सात ताले एटी एकक स्थान पर हम दशमिक तो एकक पूर्व दशक स्थान किए रहा दुई एटी रहा एकक स्थान ये रहा दशांश ये रतांश ताल ए दशक स्थान में किए अच्छी दुई अच्छी तेणु दुईर मूल्य के दुई गुण दस दुई दस कोड़े से हीपरी एकक स्थान में किए अच्छी एकक स्थान में चार अच्छी तेणु चार मूल्य चारि गुण एक चारि से हीपरी दशांश स्थान में किए अच्छी दशांश स्थान में पाँच अच्छी तेणु पाँच मूल्य पाँच विभक्त दस अर्थ पांच दशांश से हीपरी शतांश स्थान में किए अच्छी शतांश स्थान में सात अच्छी तेणु सतर मूल्य सात विभक्त शहे अर्थ सात शतांश ताल चबिश दशमिक पाँच सात हम चबिश है कोड़े दस दस रुईर दशक स्थान में दुई अच्छी तेणु हम कोड़े मिशाण एक घर सात थी सात एक घर चार अच्छी से रहा चारि कोड़े मिशाण एक घर चारि दशांश स्थान में पाँच विभक्त दस एवं शतांश स्थान में सात विभक्त शहे यहीपर भाव रहा बर्तमान स्थानीय मान सारणी में लिखा अर्थ दशक घरे दुई एकक घरे चारि दशांश स्थान में पाँच अच्छी शतांश स्थान में सात बुझीगलापर देख आम अभ्यास कार्य 6.1 आलोचना करवा देख निम्नलिखित गुड़िक दशमिक लेख देख शतक घरे दुई रही दशक घरे तीन अच्छी एकक घरे चारि दशांश घरे पाँच अच्छी ताले किभली लिख शतक दुई रहा दशक तीन रहा एकक चारि रहा एकक पर आम दशमिक बसे तापर दशांश अर्थ पाँच विभक्त दस आम दशमिक बसइले से आम पाँच लिखिले ताल 234 दशमिक पाँच हम यार उत्तर बुझीगला से भाव तापर दिखाई शतक स्थान में किसी ना दशक घरे एक अच्छी एकक घरे पाँच अच्छी दशांश स्थान में सात अच्छी ताल एक रशक घरे पाँच रकक घरे तापर दशमिक बस दशांश स्थान में सात आसब आठ सात विभक्त दस हेनी आम पढ़ते सात विभक्त दस सात विभक्त दस अर्थ सात दशांश तेना दशमिक बसला सात रहा पंदर दशमिक सात बुझीगलापर देख तापर शतक घरे एक अच्छी दशक घरे शून अच्छी एकक घरे शून अच्छी दशांश घरे तीन अच्छी शतक घरे एक दशक घरे शून एकक घरे शून तापर दशमिक बसला तापर तीन ताल शहे दशमिक तीन हम यार उत्तर से हीपरी भाव में शतक घरे कि ना दशक घरे कि ना एकक घरे तीन अच्छी दशांश घरे सात अच्छी तार एकक घरे तीन तीन पर दशमिक तापर सात तीन दशमिक सात हम तापर देख दुई नंबर प्रश्नटी खाली स्थान पूरण कर 23 सेमी दशमिक पांच मिलीमिटर देख ताकू आम तुम पांच मिलीमिटरटा देख ताकू तुम कि भाव में लिखे केते सेमी ताल 23 सेमी तो 23 से भाई भाव रहा देख दशमिक लिख आम पांच मिलीमिटर अच्छी अर्थ पाँच विभक्त दस सेमी मिशन पाँच विभक्त दस सेमी ताल 23 दशमिक बिंदु रही पाँच रहा 23 दशमिक पाँच सेमी रहा बुझीगला ताले नाले 23 पूर्ण हम के पाँच विभक्त दस हम यहपर भाव में तुम 23 दशमिक पाँच लिखिपर तापर देख खरे दे 55 मिलीमिटर देख आम जानते एक सेंटीमीटर है केते मिलीमिटर एक सेंटीमीटर है 10 मिलीमिटर ताले 10 मिलीमिटर एक सेमी होटी 55 मिलीमिटर अच्छी अर्थ 55 केतोटी 10 अच्छी अर्थ केतोटी 55 मिलीमिटर केतोटी 10 मिलीमिटर अच्छी ताले 55 हरण 10 कले आम के 10 पंचा 50 पाइबा 55 रु 50 कले 5 ताले आम पूर्ण संख्या केते पाइले 5 आला पाँच है यार भागशेष थी यह लबर रहा एवं भाजक है 10 अर्थ पाँचटी पूर्ण अच्छी मानने पांचटी 10 मिलीमिटर यहभरी पांचटी अच्छी अर्थ पांच सेमी है जदि 10 मिलीमिटर एक सेमी होते 50 मिलीमिटर केते हम पांच सेमी हम देख ये 50 हम मिशाण 5 55 को जदि आम विस्तारित करदे 50 मिशाण 5 हम तेल 50 मिलीमिटर जहाँ पांच सेमी से ताल 5 सेमी मिशाण 5 मिलीमिटर अर्थ 5 विभक्त 10 सेमी ताल 5 मिशाण 5 विभक्त 10 सेमी अर्थ के 5 दशमिक 5 सेमी यह हम यार उत्तर ताल 5 दशांश तेणु 5 दशमिक 5 सेमी ये 55 सेमी देती तेणु 55 भितर केतोटी 10 अच्छी 50टी 10 5टी 10 अच्छी अर्थ 50 तेणु 50 मिशाण 5 50 रे आम 5 सेमी पाइले दशमिक 5 है बुझीगला देख 3 नंबर प्रश्न
निम्न सारणीर खाली स्थान पूरण कर। संख्यार विस्तारित रूप देछि 2 1 3 दशांश 2 1 देला 3 दशांश अर्थ 3 विभक्त 10। ताले साधारण भग्न संख्या 2 पूर्ण 3 विभक्त 10 एहाकु दशमिक लेखिले किपर हेब 2 रहिला एकक घरे, एकक घरे परे 3 दशांश अर्थ दशमिक रहिला तेणु दशांश स्थान 3 रहिला बुझिहेला। सेहीपरि भावे 3 10 5 1 7 दशांश 3 10 है 30 5 1 है 5 7 दशांश है 7 विभक्त 10 ताले 3 मिशन 5 35 पूर्ण 7 विभक्त 10 है साधारण भग्न संख्या यहाँ दशमिक लिखिले 35 दशमिक दशांश स्थान 7 35.7 से हीपरी भाव में तापर दे 7 1 5 दशांश ताले एकक घरे 7 5 दशांश अर्थ 5 विभक्त 10 यह साधारण भग्न संख्या यहाँ जदि आम दशमिक लिखा तेल 7 1 दशांश स्थान 5 अच्छी अर्थ 5 दशांश तेणु 5 7.5 सेहीपरि भाव में तापर दे 8 1 3 दशांश तो एकक घरे 8 रहिला 3 दशांश अर्थ 3 विभक्त 10 रहिला ताले एटा ला साधारण भग्न संख्या या दशमिक लिखले हम 8 1 3 दशांश तो दशांश स्थान 3 ताले 8.3 हम यार उत्तर। सेहीपरि भाव में 2 1 3 दशांश तो एकक स्थान 2 3 दशांश अर्थ 3 विभक्त 10 रहिला साधारण भग्न संख्या तेणु तेणु दशमिक किपर लिखा एकक स्थान 2 दशमिक रहिला तापर दशांश स्थान 3 ताले 2.3 हम। सेहीपरि भाव में 1 10 5 1 2 दशांश ताले 1 10 अर्थ 10 5 1 है 5 2 दशांश है 2 विभक्त 10 ताले 10 मिशन 5 15 15 पूर्ण 2 विभक्त 10 होची यार साधारण भग्न संख्या यहाँ दशमिक लिखले 15 दशांश स्थान दशमिक रहिला 15 1 पर दशमिक रहिला तापर कौन हम ना 1 10 5 1 15 15 पर दशमिक रहिबो 2 विभक्त 10 हम दशांश स्थान 2 कारण 2 दशांश तेणु 15.2 हम यार उत्तर।